हेलो दोस्तों, मैं बनाने जा रही हूँ सूजी के उत्पम, जिसको रवा उत्पम भी कहते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 किलो सूजी लिए हैं, मटर है 1 कटोरी, उबला हुआ मटर है इसको बॉईल कर लिए हैं, दही 1 कटोरी, प्याज छोटे छोटे पीस में काटा हुआ है, टमाटर भी छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं, 2 हरी मिर्च है, गाजर को ग्रेट कर लिए हैं। सूजी डाल लेते हैं इसमें। इसमें टमाटर डालेंगे, बारीक कटा हुआ टमाटर है। प्याज, हरी मिर्च इसको भी डाल लेंगे, गाजर इसको भी डाल लेंगे। बॉयल मटर है, दही, दही को अच्छी तरह से इसको फेंट लेते हैं। दही डाल लेते हैं इसमें, नमक स्वाद अनुसार, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। इसमें पानी डालेंगे, पानी डाल के सब मिक्स करेंगे। और पानी डालेंगे इसमें, 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि सूजी अच्छी तरह से इसमें फूल जाए। इसको ढक कर रख देते हैं, 10 मिनट का रेस्ट देंगे इसको, सूजी पूरा पानी सोख लेगा। देख लेते हैं एक बार, देखिए दोस्तों एकदम अच्छी तरह से सेट हो गया है ये। फूल गया है सूजी एकदम। तवा गर्म हो गया है, पहले तेल डाल देते हैं इसमें। तवे पर सूजी के घोल को अच्छी तरह से फैला लेते हैं। उत्पम को पलट लिए हैं, हमारा पहला उत्पम बन गया है। इसी तरह से सारे उत्पम बना लेंगे। देखिए दोस्तों, दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक गया है ये।
उत्पम देखने में देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छे से घुमा घुमा पकाएंगे, नीचे से भी अच्छा से पक जाएगा। देखिए दोस्तों दोनों साइड से पक गया है, अच्छी तरह से दोनों साइड से उपमा अच्छी तरह से पक गया है। देखिए अब इसको निकाल लेते हैं। देखिए दोनों साइड से पक गया है, देखिए आगे से पीछे से दोनों साइड से। देखिए उपमा देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है ये। देखिए दोस्तों हमारा उत्पम बनके तैयार हो गया है, खाने के लिए रेडी है। इसे आप चटनी सॉस के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है, और आप भी इसे घर में बनाइए। हम मुझे कमेंट करके बताइए आप कि कैसा लगा आपको। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।